हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के दो क्वेश्चंस करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर फोर, इफ़ टू जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन गिवन है, आर 2 ± √3। इस पॉलिनोमियल की ये दो जीरोज़ गिवन है, फाइंड अदर जीरोज़। तो अदर जीरोज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है पी एक्स, एक्स की पावर 4 − 6 × 3 − 26 ×² + 138 × −35। तो ये तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है। अब देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है टू ज़ीरोस, तो इनको रखते हैं हम एक्स के इक्वल। तो एक्स इक्वल टू 2 + √3 गिवन है, और सेकंड एक्स इक्वल टू 2 − √3 गिवन है। प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार √3 प्लस है, एक बार √3 माइनस है। अब क्या करेंगे, राइट साइड में लेके आएंगे इक्वेशन को, x − 2 − √3। इधर क्या हो जाएगा, x − 2 + √3। अब देखिए, जो चीज़ दोनों में कॉमन है, x − 2 यहाँ भी है, x − 2 यहाँ भी है, तो ये हमारा बन जाएगा a। क्यों मैंने a लिखा है, वो इसलिए कि ये इक्वेशन बन रही है a − b × a + b। क्लियर। तो a यहाँ पे है हमारा x − 2 एंड b इज़ √3। क्लियर। तो ये इक्वेशन a − b × a + b फॉर्मूला जो होता है वो हमारा बनता है a² − b². क्लियर। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x − 2 हमारा क्या है, a, तो हमें क्या चाहिए, a का स्क्वायर। तो x − 2 का स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस का साइन, b का स्क्वायर, b क्या हमारे पास √3, तो √3 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर जब यहाँ पे ओपन होगा तो x² + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, −2 × a भी होता है, तो 2 × a क्या हमारा x, 2 × 2 = 4, 4 × x, a² + b² − 2 × a × b। क्लियर। अब यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब क्या रहेगा, यहाँ पे रिमेनिंग रह गया x² − 4x, क्योंकि हमने किस जो पावर है वो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी होती है, 2 फिर 1 की पावर, फिर क्या लिखना है हमें, जो ये पॉलिनोमियल की ये जो लास्ट रहेगी इक्वेशन, ये डिजिट 4 − 3, इस वेरिएबल को लिख देंगे, ये है हमारा 4 − 3 = 1। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, x² − 4x + 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ये हमारा डिवाइज़र आया। तो अगेन इसको हम लिखेंगे x² − 4x + 1। क्लियर। अब हमने इक्वेशन लिख ली है, अब करना है हमें इसे डिवाइड। तो लेंगे x की पावर 4, डिवाइड करेंगे उसे, यहाँ इसकी फर्स्ट डिजिट x² है डिवाइज़र की, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2। तो x² आ गया यहाँ पर, तो ये किसके नीचे, यहाँ x² × 4, इसके नीचे हम क्या करेंगे, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² 4, x² को 4x से करेंगे तो −4x³, एंड x² को 1 से करेंगे तो +x². ये ध्यान रखना, डिग्री 4 के नीचे 4, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2 आएगी, ±±++-, ये तो हो गया क्रॉस, −6 + 4 − 2x³, −26 − 1x, तो −27x² + 138x। अब क्या करना है, अब हमें करना है −2x³ को x² से डिवाइड, तो 3 − 2 हो जाएगा तो हमारा −2x रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा −2x। अब इस 2x² x को x² − 4x + 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो −2x³ − 2x × −4x + 8x² − 2x। अब क्या करेंगे, साइन चेंज होगा, −++-++, तो ये हो गया क्रॉस, −27 + −27 − 8, तो ये हो जाएगा −35x². ओके, ये क्या हो जाएगा, 138 में 2 को ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा, प्लस का 140x, ऊपर से नीचे लेके आना जो रिमेनिंग
रह गया है हमारे पास, वो है -35। अब देखिए -35 एक्स स्क्वायर है और इधर से हमारे पास है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्रॉस होकर -35 आ जाएगा। -35 को एक्स स्क्वायर से किया -35 एक्स स्क्वायर, -35 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 20 2 4 3 20 12 और 2 14, तो ये आ जाएगा -140 एक्स एंड यहाँ आ जाएगा -35। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सारे क्रॉस हो जाएंगे, आंसर 0 आ गया। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के हमें फैक्टर्स बनाने हैं, वो फैक्टर्स जो बनेंगे वो हमारी जीरोज होंगी, इस इक्वेशन इस क्वेश्चन की वो अदर जीरोज होंगी। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं एक्स के, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे देखिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 35, प्लस या माइनस करें तो माइनस का 2। अगर यहाँ पे हम -7 + 5 लेते हैं तो माइनस का 2 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35 आ रहा है। तो फैक्टर्स होंगे हमारे -7x + 5x - 35। एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x -7 + 5 कॉमन आ गया यहाँ से, x -7, x + 5 × x + x - 7, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स हमारे ये दोनों आ गए, x - x + 5 x - 7। अब इसको हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब x की वैल्यूज जब निकालेंगे, x + 5 = 0 एंड x - 7 = 0, तो x की वैल्यू -5 एंड इधर x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड अदर जीरो। तो हम लिखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, यहाँ लिखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 2 ± √3 एंड -5 and 7, दिस इज़ आवर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन दिस क्वेश्चन, इफ़ द पॉलिनोमियल x³ - 6x³ + 16x² - 20x + 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² - 2x + k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। इसमें इसने बोला है कि अगर ये पॉलिनोमियल जो फर्स्ट हमें गिवन है इसको हम इस डिवाइजर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है हमारा x + a। तो आप वैल्यू फाइंड आउट करिए k और a की। तो सबसे पहले तो हमें डिवाइड करके देखना है कि क्या आएगा हमारे पास रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास इसने कहा है कि ये रिमाइंडर आ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या रिमाइंडर आ रहा है इसको डिवाइड करने से। तो यहाँ लिखेंगे x² - 2x + k, डिवाइड करना है x²-6x³ + 16x² - 25x + 10 को, ठीक है। अब देखिए x⁴ को x²² से किया तो x²² आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन से, x²-2x³ + kx², क्लियर यहाँ तक। अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो हो गया क्रॉस, -6 + 2 - 4x³ - 16 - k, तो यहाँ पे बाहर प्लस का साइन आ जाएगा। अब x² दोनों में कॉमन है तो x² को बाहर ले लेंगे, अंदर रखेंगे हम 16 - k, यही है यहाँ पे 16 - k, x² हमने कॉमन ले लिया, ऊपर से नीचे ले आएंगे -25x, क्लियर। अब देखिए 4x³ को x² से किया तो यहाँ आ गया -4x³, मल्टीप्लाई करेंगे अब -4x को इस पूरी इक्वेशन से, +8x² - 4 - 4xk, अगेन साइन चेंज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ क्रॉस हो गया। अब देखिए इन दोनों में x² कॉमन है, ठीक है, तो हम x² को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा हमारा वो लिख लेंगे, ऊपर बचा 16 - k, नीचे है -8, क्योंकि इसका साइन चेंज किया अभी हमने, माइनस का है तो यहाँ -8 लिखेंगे। x² को हम कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, साइन में अभी बताती हूँ आपको क्या आएगा, -25 + 4, ठीक है, साइन अंदर जाएंगे तो यहाँ बाहर प्लस का साइन आ जाएगा।
तो अब हमने x कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा माइनस 25 और 4 क्या है प्लस का, प्लस 4, 4 के साथ k है तो इसे भी लिख देंगे ब्रैकेट क्लोज। देखिए अब जो जहाँ पे सॉल्व होता है उस क्वेश्चन को हम वहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, क्लियर। अब 25 प्लस 4 के ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ k है, 25 के साथ k नहीं है, इसको एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ देखिए 16 - 8 लेस हो सकते हैं, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर 16 - 8, यहाँ आ जाएगा 8 माइनस के प्लस एक्स इंटू में 25 प्लस 4 के, ये एज इट इज़ रहेगा। ऊपर रिमेनिंग है प्लस 10, इसको भी नीचे ले आएंगे, क्लियर। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट जो हमने अभी क्वेश्चन किया जहाँ तक पहुँचे हैं, ये इक्वेशन आई थी इसको मैंने दोबारा यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, किससे हमने डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ठीक है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया तो रिमेनिंग जो आया उससे वो हमारा क्या आ जाएगा, कोशेंट। तो नहीं सॉरी, इसको हमने इससे डिवाइड किया, जब कैसे करते हैं ये भी आपको पता होगा, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन होती है, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस के, ये हमारे पास डिवाइड करना हमें एक्स स्क्वायर से, तो ये क्रॉस होकर क्या बच रहा है, 8 माइनस के, तो हमारा कोशेंट जो है यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस के, तो ये प्लस का है, यहाँ पे लिखेंगे हम कोशेंट के साथ प्लस 8 माइनस के, क्लियर। अब इस 8 माइनस के को हम इस पूरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ध्यान से 8 माइनस के को मल्टीप्लाई करना हमें, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन, अंदर लिख देंगे 8 माइनस के, हो गया ये प्लस का साइन, ठीक है। अब देखिए 2x को 8 माइनस के से करना है, तो 2x को हम रख देते हैं बाहर, ठीक। अब देखिए ये माइनस का है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 2 को जब 8 से करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, और इसी माइनस को जब माइनस के से करेंगे तो प्लस का 2k आ जाएगा। अब 8 माइनस के को अगेन हमें k से करना है, तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस के को जब k से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास क्या गिवन है, k को 8 माइनस के, तो k को 8 से किया तो प्लस का 8k आया, अब ये 10 के नीचे ही आ जाएगा यहाँ पे 8k, और इसी k को जब k से किया तो यह हो जाएगा हमारा, ये प्लस का था तो प्लस का साइन लगाया हमने, अब माइनस के को प्लस के से करेंगे तो माइनस के स्केयर आ जाएगा, ये 10 के नीचे लिखा है, ये ध्यान रखना है। अब हमें करना है साइन चेंज, ध्यान से देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो हो गया क्रॉस क्योंकि ये दोनों सेम है। अब यहाँ देखिए एक्स तो हमने कॉमन ले लिया था, अंदर क्या स्टेटमेंट है, एक्स को हम अगेन यहाँ पे कॉमन ही रखेंगे, ठीक है। अंदर क्या आएगा, माइनस 20। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो साइन मैंने यहाँ लगाया, आप चाहें तो, क्योंकि एक्स के साथ तो हमने कुछ यहाँ पे करना नहीं है, तो इस साइन को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। देखिए ये माइनस का साइन है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का कर दे, ये माइनस, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब 20 माइनस 25 प्लस 16 क्या आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस 4k माइनस 2k प्लस का 2k, एक्स हमने पहले ही कॉमन लिख लिया बाहर। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, बाहर लगा देते हैं प्लस का साइन। अब देखिए 10 के साथ कुछ भी नहीं है या ऐड या माइनस करने के लिए, तो हम एज इट इज़ 10 को लिख देंगे। माइनस का 8k के साथ भी कुछ नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगा। k के साथ भी कुछ नहीं है प्लस माइनस के लिए, तो ये प्लस का k है तो प्लस का k स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में उसने हमें क्या पूछा था, उसने कहा था रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आता है एक्स प्लस ए, और हमारा रिमाइंडर क्या आया है, ये वाली स्टेटमेंट। तो अब हमें ये दिखाना है कि k और a की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है जो यहाँ गिवन है, इन दोनों को क्या करेंगे कंपेयर, कैसे वो देखिए, जो ये रिमाइंडर है तो यहाँ इन दोनों कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ वी विल कंपेयर
बोथ रिमाइंडर्स, जो रिमाइंडर्स हैं जो गिवन है और जो हमने फाइंड आउट किए, इन दोनों रिमाइंडर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए इक्वेशन लिखेंगे x माइनस, ये जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ये इसे लिखेंगे। देखिए इसके साथ ये x के साथ हमारे पास गिवन है, तो हमें x को भी लिखना है। x इंटू में माइनस नाइन प्लस टू के प्लस टेन माइनस एट के प्लस के स्क्वायर, इसको भी मैं ब्रैकेट में ही लिख रही हूँ। इक्वल टू में कंपेयर करना है, तो हमारे पास गिवन क्या था रिमाइंडर, x प्लस ए, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू में x प्लस ए, क्योंकि उन्होंने कहा ये आता है और हमारा ये आया है, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको हमें कंपेयर करना है। इससे हमारी x और k, सॉरी a और k की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे हम, x की x है, x को छोड़ देंगे, अंदर के स्टेटमेंट को हम यहाँ लिखेंगे, माइनस नाइन प्लस टू के। और हमने ऐसा क्यों किया, अब हमें जब कंपेयर करते हैं इन इस तरह की इक्वेशन आ जाए और कंपेयर करना हो तो कोफिशियंट्स को कंपेयर किया जाता है, हमेशा याद रखना। तो x का कोफिशियंट ये अंदर की स्टेटमेंट है और इधर x का कोफिशियंट आगे कुछ नहीं है तो वन माना जाता है, तो इक्वल टू में वन, फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ x के साथ x को कंपेयर किया। अब सेकेंड स्टेटमेंट को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, a के साथ, तो क्या लिखेंगे, टेन माइनस एट के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू में ए, क्लियर। अब माइनस नाइन है तो हम क्या करेंगे, टू के यहीं रहने देंगे, वन प्लस नाइन हो जाएगा, नाइन इधर ले आएंगे राइट साइड में, प्लस का हो जाएगा, टू के इक्वल टू में टेन, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव आ गई, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं हम ए की वैल्यू। अब देखिए ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो के की वैल्यू हमारे पास आई है उसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, टेन माइनस के की वैल्यू फाइव, एट माइन एट मल्टीप्लाई फाइव प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो जाएगा इक्वल टू में ए, टेन माइनस फोर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू में ए। अब देखिए ट्वेंटी फाइव प्लस टेन थर्टी फाइव, माइनस फोर्टी प्लस थर्टी फाइव माइनस का फाइव आ जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए इक्वल टू माइनस फाइव, के इक्वल टू में फाइव, ठीक है। तो यही हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ये हमने निकाल दी, तो ये हमारा आंसर। होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, फिर भी कहीं डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।